सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू ट्विंटेक आर्ट। तो आज हमारा डे 3 है ड्राइंग क्लास का, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमने लास्ट के दो क्लास में लाइंस ड्रॉ करना सीखे थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और स्लैंटिंग लाइंस, और इस तरह से हमने डिफरेंट शेप्स स्टडी किए थे, जैसे कि ट्रायंगल्स, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। तो आज हम इस क्लास में ये डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पीछे शेप्स होते हैं, तो हम उस शेप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। तो हम एप्पल ड्रॉ करते हैं यूजिंग सर्कल शेप। तो जैसे कि आपको मालूम है हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो हमें सबसे पहले काम है कि हमें उस शेप को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसकी मदद से हमको ड्राइंग करना है। तो जैसे एप्पल ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप होता है, तो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, फिर उसको जो है हमने उस पर डिटेल्स ऐड किया है और उसको एक पर्टिकुलर एप्पल का शेप दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। हम थोड़ा सा शेड उसमें ऐड कर देंगे और ये एप्पल का स्केच रेडी हो गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके पर्टिकुलर शेप को आइडेंटिफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए एक और स्केच बनाते हैं। हम वाटरमेलन पीस ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग ट्रायंगुलर शेप। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, उसको एक वाटरमेलन के पीस का शेप दे दिया है। तो हम इस तरह से हम डिफरेंट स्केचेस ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग शेप्स। तो हम आज के हमारे क्लास में हमारा काम है कि हम डिफरेंट शेप्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए एक और ड्राइंग करते हैं हम ओवल शेप यूज़ करते हुए। तो हम ओवल शेप का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पाइनएप्पल। तो ये हम पाइनएप्पल ड्रॉ कर रहे हैं, हम इसमें डिटेल्स ऐड कर दे रहे हैं, और ये हमने सबसे पहले ओवल शेप ड्रॉ किया, फिर उसके बाद उसको पाइनएप्पल का स्ट्रक्चर दे दिया है, उस पर फिर हम डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जितना भी हो सकेगा ऑब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्क्वायर, यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग ओवल, यूजिंग रेक्टेंगल। हम जितने भी हमारे शेप्स हमने अब तक के ड्रॉ किए हैं उसको लेकर एक एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारी जो है स्केचिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये हमारा आज का होमवर्क है। अगेन चलिए हम सर्कुलर शेप से एक ऑरेंज ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑरेंज भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग कितने और ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और मुझे कुछ कमेंट्स मिला है सब्सक्राइबर का जो सिंसियरली इस ड्राइंग क्लास को ले रहे हैं, तो मैं उनका शॉर्ट आउट दूंगी लास्ट वीडियो में। देखिए, इस तरह से हमने ये एक हेक्सागन ड्रॉ किया है और इसके डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ किए हैं, इस पर जो शेडो इफेक्ट है ये भी ड्रॉ किया है। ये फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इस पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, आपको इसको भी आइडेंटिफाई करना है। ये दो ट्रायंगल जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे में मर्ज किया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और इस तरह से मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर का ऑनेस्टली जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनका शॉर्ट आउट दिया है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।